देखिए दोस्तों, ये सोनी का एलईडी केडीएल 47W804A। जब ये आया हुआ था तो इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट था, और थोड़ी देर में इसमें पट्टा आने लगता था। स्क्रीन जब चालू करो तो यहाँ पे पट्टा आने लगता था हल्का सा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मीटर से सबसे पहले हमने ये टीकॉन को खोला और देखिए इसमें VGL, VGH और VDD और VCOM बहुत सा वोल्टेज है। VGL छोड़ करके तकरीबन सभी वोल्टेज बराबर था। VGL भी आता था जब ऑन करो फौरन, तो ये देखिए इस जहाँ स्क्रू ड्राइवर, ये VGL है। VGL आ करके फिर फौरन चला जाता था, और VGH जो यहाँ पे, ये VGH है जहाँ स्क्रू ड्राइवर का आखिरी सिरा है, ये VGH है। तो VGH भी 28 वोल्ट आता था, थोड़ी देर बाद 27 वोल्ट हो जाता था। तो उसके बाद हमने ये मालूम करना चाहा कि ये स्केलर से फॉल्ट है या ये स्केलर से। तो हमने सबसे पहले ये स्केलर को निकाल के बाहर किया, तो जो वोल्टेज था वैसा ही था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ख़राबी अपने यहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद हमने ये स्केलर निकाला, निकालने के बाद VGL वोल्टेज आ गया, VGL वोल्टेज आ गया। उसके बाद हमने ये पट्टे को लगा दिया। पट्टे को लगाने के बाद हम, क्योंकि फॉल्ट ये ओपन करने के बाद VGL वोल्टेज आया था इसके लिए, अब हमको ये यकीन हो गया कि ये हमारा इस साइड का स्केलर, लेफ़्ट साइड का स्केलर में कुछ शॉर्टिंग है। तो हमने पूरा सब स्क्रू स्पीकर वगैरह निकाल दिया, और उसके बाद एक एक PF जो भी था सब हमने मीटर से ओम्स रेंज पे चेक किया, कहीं कुछ शॉर्टिंग हमको नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने पेपर मेथड का इस्तेमाल किया। ये देखिए यहाँ पे पेपर पीछे साइड रखा हुआ है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पेपर की कटिंग किया, और उसके बाद थोड़ा सा कटिंग किया, सबसे पहले इसके नीचे इधर लगाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फिर आगे इधर खसकाया, फिर खसकते लास्ट में हम यहाँ पे आए। तो हमारा, हमने मीटर का प्रॉब इस पर रखा था पहले से, तो जब यहाँ पे आया ना हमारा पेपर, तो ये VGL वोल्टेज आ गया। उसके बाद हमने जब चालू किया, VGL वोल्टेज आने के बाद चालू किया, तो हमारी टीवी में स्क्रीन आ चुकी थी। देखिए दोस्तों, ये टीवी यहाँ पे जो पैनल का फॉल्ट था वो तो ओके हो गया था, पिक्चर आ गई थी, स्क्रीन आ गई थी, लेकिन उसके बाद हमने इसको टेस्टिंग में डाला। टेस्टिंग में डालने के बाद तकरीबन आधा घंटा के बाद इसमें यहाँ पे 3 ब्लिंक आ गया, टीवी बंद हुआ और 3 ब्लिंक आने लगा। जब भी प्लग ऑफ करो, ऑन करो, फौरन 3 ब्लिंक होता था। तो दोस्तों हमने फिर क्या किया, यहाँ पर ये रेगुलेटर को चेक किया, यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग नज़र नहीं आई। उसके बाद हमने इधर ये दो, एक PF, ये दो, तीन, चार PF, इधर दो PF है, सबको हमने मीटर से चेक किया, ये PF इसमें से एक शॉर्ट मिला। हमको दोनों निकालना पड़ा, क्योंकि दोनों एक साथ था, तो दोनों निकाला, तो एक अच्छा था, दूसरा ख़राब था। तो जो ख़राब था उसको हमने निकाल दिया, इधर वाला देखिए इधर दिख रहा है, इधर ये ख़राब था, निकाल दिया, और ये दोनों एक ही में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो हमने उसके ऊपर एक 10 MFD 16 वोल्ट या 60 वोल्ट, 63 वोल्ट का कैपेसिटर मार दिया। उसके बाद हमारा जो 3 ब्लिंक का फॉल्ट था वो भी दूर हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।